हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आप लोगों के साथ इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। और हमारी 100 वीडियो चैलेंजिंग में से ये हमारी 7 नंबर की वीडियो है, जो कि मैं 6 वीडियो जो है आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं। आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए, सभी वीडियो जो है वो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 100 वीडियो चैलेंजिंग की, तो जरूर देखिएगा। मैं आखिर में एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी प्लेलिस्ट, आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी वीडियोस देख सकते हैं 100 वीडियोस में से, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो हमने जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो उस वीडियो पे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा प्यार दिया है। इसी तरह से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आप लोगों के साथ इसका जो फाइनल लुक होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, और वहां से आप इसको अच्छे से वहां की स्क्रीन जो है वो बहुत बड़ी होती है तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। इसको देखिए, बनाने के लिए ये मैंने कुछ लेसेज इस तरह की ये लिए हैं। कितनी क्या लेस ली है ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को। इस तरह का फैब्रिक मैंने वेलवेट फैब्रिक मैंने लिया है, और सैटन फैब्रिक पैंट के लिए लिया है, और नेट फैब्रिक मैंने दुपट्टे के लिया है, और इस तरह के 4 टाइप की लेस मैंने इसमें लिया है। सबसे पहले वाली लेस ये देखिए, ये वाली जो लेस है ये मैं अपने दुपट्टे में लगाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ दुपट्टे में लगाऊंगी इसको। इसको रख देते हैं अभी साइड में। और ये वाली जो लेसेस है इसको मैं पैंट बनाऊंगी। ये देखिए, ये सैटन फैब्रिक मैंने लिया है 2.5 मीटर, मैं इसमें पैंट बनाऊंगी, इसको भी साइड में रख देते हैं अभी। और ये वाले जो फैब्रिक है, ये वाली जो लेसेस है, ये वाली जो है ये पूरा मैंने 9 मीटर का जो आता है वही मैंने लिया है। इस तरह की लेस आपको लेनी होगी जिसमें से आप इसमें पैचेस जो है वो कट कर सके, अलग से इसके फ्लावर पत्तियां वगैरह जो है कट करके निकाल सके, उस तरह की उस टाइप की लेस आपको इस तरह से ये लेना है। जैसे कि देखिए, मैंने इस तरह से फ्लावर छोटे छोटे फ्लावर्स इसमें इस तरह से ये कट करके निकाले हैं, इसी से हम इसको डिजाइन करेंगे। ये पूरा 9 मीटर का ये जो बंडल आता है वो मैंने इसमें ले लिया है इस वाली लेस के लिए, ठीक है। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ये वाली जो लेस है ये मैंने पूरा बारीक सी लेस ली है, इसको हम साइड में डिजाइन करेंगे, जो कि ये आप 10 मीटर ले सकते हैं। ये मेरे पास पूरा बंडल रखा हुआ है तो ये मैंने ले लिया है। और ये वाला जो है मैंने इसमें 2.5 मीटर लेस लिया है, इसी को मैं अपने कुर्ती में लगाऊंगी और अपने पर्स में भी लगाऊंगी, पोटली बैग हमने बनाए हैं इसमें उसमें भी लगाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया अभी हमारा, और ये वेलवेट फैब्रिक मैंने लिया है 2.5 मीटर। तो हम सबसे पहले वेलवेट फैब्रिक पर जो है अपना अपना जो फ्यूजिंग होता है लाइक्रा फ्यूजिंग, वो मैं इसमें जो है वो आयरन करके लूंगी। देखिए, ये कुछ इस तरह का बहुत ही थिन सा जो होता है, ये बहुत ही पतला सा होता है ये लाइक्रा फैब्रिक, तो इसके ऊपर मैं आयरन करके अच्छे से पूरे फैब्रिक पे लगा लूंगी। इसको लगाने के बाद जो है ना, आपके फैब्रिक पे ना इतनी ब्यूटीफुल सी रिच आ जाती है ना, बहुत ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ही हैवी फैब्रिक लिया है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक लिया है, ठीक है। तो ये करना जरूरी है, स्किप कर सकते हैं अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने लाइनिंग ले लिया है, लाइनिंग फैब्रिक से ही मैं इसमें सबसे पहले कट करूंगी अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग, अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने लेंथ के अकॉर्डिंग। आप लोगों को इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, 2 पीस है ये हमारे बैक के लिए और एक फ्रंट के लिए। तो हम सबसे पहले इसमें फटाफट से अपने कुर्ती का जो नाप होता है वो इसमें लगा देते हैं। ये इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ज्यादा फिटिंग में अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा लूज रखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग फिटिंग रखना चाहते हैं तो जरूर रख सकते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले शोल्डर लगा दिया है 1 7 इंच का, और 7 इंच का ही आर्म होल मैं इसमें लगाऊंगी इस तरह से। और उसके बाद जो है वेस्ट लेंथ लगाऊंगी 15 इंच पे, हिप लेंथ लगाऊंगी 21 इंच पे, क्योंकि मैंने इसको लूज रखा है तो मैंने हिप थोड़ा सा, हिप का जो चाक होता है वो मैंने थोड़ा सा नीचे ही रखा है। तो चलिए, अब इसको सीधा इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और यहाँ से मैं लगा रही हूँ 7 इंच पे, 1 इंच मैं बैक कर रही हूँ फ्रंट के आर्म होल के लिए। यहाँ पर लगाएंगे हम अपना चेस्ट का 4th पार्ट, यानी कि मेरा 40 का चेस्ट है तो मैंने 10 इंच पे लगाया, 2 इंच में इसमें मार्जिन ले लिया है। अब हम यहाँ से वेस्ट राउंड का 4th पार्ट लगाएंगे, 2 इंच मार्जिन, 1 इंच मैंने इसमें डार्ट के लिए लिया है, सिर्फ मैं बैक में ही डार्ट लगाऊंगी, फ्रंट में नहीं लगाऊंगी। और हिप का जितना भी है आपका, मेरा जितना चेस्ट है उतना ही हिप है, तो मैंने लगाकर इसमें 2 इंच मार्जिन ले लिया है। बिल्कुल जो आप लोग सिंपल कुर्ती बनाते हैं वही सिंपल कुर्ती का निशान इसमें आप लोगों को लगा कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको सारे ज्वाइंट को जो है वो
मिला देते हैं। तो बस इतना ही था, इसमें अब आर्मोल का शेप दे देते हैं फटाफट से। और ये भी मैंने शेप दे दिया इसमें। अब देखिए इसमें जो गले की चौड़ाई है वो मेरी 3 इंच की है। जो लेस लगा रही हूँ मैं उसकी भी चौड़ाई आप लोगों को देखकर ही लेनी होगी, ज्यादा चौड़ी चौड़ी लेस आप लोगों को नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये मेरा परफेक्ट जो है वो 3 इंच पे ही आ रहा था, तो मैंने पहले से इसको मेजरमेंट करके रखा था, तो इसीलिए मैं इसको 3 इंच पर ही लगा रही हूँ। तो देख लीजिए बैक नेक मैं इसमें नहीं बताऊंगी आप लोगों को, 3 इंच का ही बैक नेक भी रखा है मैंने। 1/2 इंच में शोल्डर डाउन कर देती हूँ यहाँ पर, और इस तरह से मेजरमेंट हमारे हो चुके हैं। फटाफट से इसको कट कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर नोच लगा देते हैं फटाफट से। अब ये हमारा जो लाइनिंग है ये हमारा कट हो चुका है, जितना हमारा हिप में है उतना ही मैंने दामन में भी रखा है। बस यही था हमारा मेजरमेंट इसमें, और इसको अलग करके हमारा जो फ्रंट का आर्महोल होता है वो हम इसमें से कट करके हटा देंगे। और गला मैं इसमें नहीं कट करूंगी, नेक नहीं कट करूंगी इसमें मैं, क्योंकि मैं इसमें पहले सेट करूंगी अच्छे से अपनी लेसेस वगैरह को, उसके बाद ही नेक इसमें कट करूंगी। अब ये जो वेलवेट फैब्रिक है हमारा एज इट इज हम इसमें कट करके ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कट करके ले लिया है दोनों को। तो अब देखिए गाइस जो हमारा वेलवेट फैब्रिक है ये वाला, इसमें मैंने एक सेंटर में आयरन करके एक सेंटर में इस तरह से ये चौका निशान बना दिया है, ठीक है। ये जरूरी है बहुत हमें पैटर्न बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए ये पैटर्न हमने बनाने के लिए, मैं यहाँ से अपना नेक का निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पे, यहाँ तक हमारा नेक आएगा। इसके बाद से ये वाली जो लेस है, ये देखिए जो 2.5 मीटर मैंने लेस ली है, इसमें से मैं 13 इंच इसमें एक पीस कट करूंगी। देखिए 13 इंच का हमने 2 पीस इसमें ये इस तरह से कट करना है, देखिए। तो ये हो गया हमारा, हमारा ये 2 कर देते हैं इसमें से। अब सम सेंटर में इसको हम इस तरह से सेट करेंगे, देखिए इस तरह से मैंने इसको सेंटर में लगा दिया है। अब इसकी के ऊपर हम इसमें सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद जो है मैं इसी के अकॉर्डिंग, यही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो दूसरी वाली जो लेस ली है, एक पूरा बंडल जो मैंने लिया था उसमें से कट करेंगे 2 लाइन यहाँ से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको 2 लाइन कट कर दिया है। और उसके बाद देखिए ये इतना हो गया, मैं इसमें पिन से इसको सेट करूंगी। अगर आप लोगों के पास रिविल सिविल है तो इसको डायरेक्टली जो है रिविल सिविल रख के नीचे से इसको आयरन कर दीजिए आप लोग, उसके बाद आप इसमें चाहो तो सिलाई लगा सकते हैं। तो अभी देखिए ये वाली जो लेस है इसको हम यहाँ से लगाएंगे इस तरह से सेट करते हुए। तो जो 2.5 मीटर मैंने लेस ली थी ये मेरा पूरा जो है इसमें लग चुका था, बस थोड़ा सा जो है वो 2 से 3 इंच जो है वो बच गया था। बाकी पोटली बैग मैंने इसमें बनाया था वो भी इसी में से मैंने बनाया है 2.5 मीटर लेस में से। अगर आप लोग इसका बजट जानना चाहते हैं कितने खर्च में ये बना है तो मुझे जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा, ज्यादा कमेंट आएंगे इसका खर्च जानने के लिए तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसमें मुझे कितना बजट में ये तैयार हुआ है हमारा ये ड्रेस। तो अब देखिए ये जो ग्रीन वाला जो ड्रेस, ये ग्रीन वाली जो लेस है हमारी ये लग चुकी है अभी। अब ये वाली जो लेस है इसको हम यहाँ से इसके साइड से यहाँ पर नीचे तक, इसको पूरा नीचे तक लगाना है, जितनी हमारी टॉप की लेंथ है वो हम नीचे तक इसको बॉटम तक लगा देंगे नीचे तक, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से नीचे तक हमने इसमें लगाना है। अब जो दूसरी साइड है वहां से भी हम बिल्कुल ऐसे ही दूसरे साइड से, ये देखिए यहाँ से हम इसको नीचे तक बॉटम तक लगा देंगे। ओके गाइस आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है अभी। और इसके बाद देखिए इतना लगाने के बाद ये जो फ्लावर्स मैंने कट किए थे छोटे छोटे से, इस फ्लावर को मैं यहाँ पर इसमें सेट कर दूंगी। 2-2 इंच की मैंने इसमें गैप रखा है, इस तरह से फ्लावर मैंने ऑलरेडी थोड़े से कट करके रखे हैं ताकि मैं आप लोगों को इस तरह से बता सकूं। तो इस तरह से मैं इसको चिपका दूंगी, और ये जो बारीक वाली मैंने लेस ली थी ये वाली, इसको मैं यहाँ पर साइड में लगाऊंगी, ठीक है। साइड में इसको फिल करूंगी। अब ये जो लेस है इसको मैं हटा दूंगी यहाँ से, मैं सबसे पहले ये छोटी वाली लेस को फिल करूंगी। 2-2 इंच का गैप से मैंने इसको फिल करना है लेस को। उसके बाद जो है मैं जो मैंने लेस हटाई है वही लेस को मैं इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा दूंगी। देखिये ये वाली लेस इसके ऊपर रख दूंगी फिर सिलाई लगा दूंगी। सबसे पहले बारीक वाली लेस लगाऊंगी उसके बाद ही मैं इसको रख के सिलाई लगा दूंगी। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। कोई कंफ्यूजन है तो जरूर मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगी इस ड्रेस को तैयार करने में। बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस तैयार हुआ था, ये भी एक रिक्वेस्टेड ही वीडियो थी जो कि मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी। तो चलिए देखिए मैं इस तरह से इसको अच्छे से सिलकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पूरा दोनों साइड में मैं इसी तरह से देखिए पीसेज में इसमें कट कर रही हूँ, छोटी छोटी पीसेज जो है वो कट करके मैं इसमें इस तरह से, ये देखिए
ये इस तरह से मैं इसको पूरा लगा लूंगी, पूरा फिल कर लूंगी दोनों साइड में, ठीक है। तो चलिए बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फिल कर लिया है, जितना जैसे मैंने रखा था सिलाई लेसेस को उसी तरह से उसी के ऊपर मैंने इसमें सिलाई लगाया है, ठीक है गाइज। ये बारीक वाली लेस है, ये पहले मैंने सबसे पहले रखा, उसके बाद जो है मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। और ये जो फ्लावर्स है ये मैंने इसको सेट करके रखा है, देखिए अभी जिस तरह से मैंने इसको सेट करके रखा है ना, उसी को मैं इस तरह से बिल्कुल से देखिए ये जो चिपकाने वाला हमारा आता है जो, वही मैंने इसमें लिया है और इसको इसके नीचे लगाएंगे और यहाँ से इसको चिपका देंगे। अगर आप लोगों के पास रिविल सिविल है तो छोटी छोटी पीसेज में रिविल सिविल कट कीजिए और इसको इसके ऊपर लगाकर यहाँ पर चिपका सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है, बिल्कुल नहीं निकलता है। तो पूरा फिल कर लूंगी मैं इसी तरह से नीचे तक अपने फ्लावर को। अब ये देखिए ये इतना सा मेरा लेस बचा था, ये देखिए 2.5 मीटर में से, और मैं इसको यहाँ से कट करके हटा देती हूँ। और उसके बाद जो है हम इसका नेक बनाते हैं। नेक बनाने के लिए देखिए ये जो लाइनिंग हमने कट की थी इसी लाइनिंग को मैं इसके ऊपर सेट करूंगी। सेंटर हमने जरूर लगाना है इसमें, बिल्कुल हमारा सेंटर नहीं हटना चाहिए इसमें से। मेरा जो है वो थोड़ा सा सेंटर जो है वो हट गया था लेस की वजह से, थोड़ा सा सेंटर आउट हो चुका था। आप लोग बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा। तो चलिए देखिए मैं इसको उल्टा कर देती हूँ। अभी जो लेस हमने इसमें चौकोन में लगाई है जो नेक की, वही लेस के अकॉर्डिंग मैं इसमें ये देखिए इस तरह से निशान लगाऊंगी। सिलाई हमारी दिख रही है तो वही सिलाई के ऊपर मैं इसको चौक से निशान लगाकर इसमें सिलाई लगा दूंगी। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने चौक का निशान लगाया है। तो चलिए उसके बाद हम इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे और नेक तैयार कर लेंगे। तो देखिए नेक मेरा तैयार हो चुका है। अभी अब हम इसका शोल्डर ज्वाइन करेंगे जो कि मैंने बैक में जो है वो अपना नेक बना लिया है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, मैं बैक में नहीं बताऊंगी आप लोगों को, जितना हमारा फ्रंट की चौड़ाई है उतना ही बैक की भी चौड़ाई मैंने रखा है। 3 इंच का ही नेक मैंने रखा है। ड्रॉ करके आप लोगों को मैंने बता दिया था कितना मैंने बैक का नेक रखा है, तो वही रखते हुए इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। अब हम इसका शोल्डर जो है वो ज्वाइन कर देते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ से पिन लगा देती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। ये सब कुछ बेसिक है तो मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है गाइस, आप लोग भी बोर हो जाओगे वीडियो देखते देखते। तो इसीलिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये मैंने स्किप करती रहूंगी। ओके तो चलिए देखिए इस तरह से नेक बनना, शोल्डर जोड़ने के बाद जो है ये इस कुछ इस तरह से हमारा ये ड्रेस बन जाएगा और हमने इसको लाइनिंग के साथ जो है अटैच कर लेना है। देखिए इसको लाइनिंग को इस तरह से बिछा लेंगे और इसके ऊपर ये मेन फैब्रिक हमारा रखते हुए चारों तरफ से इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो बस इतना ही था। अब इसकी स्लीव कट करते हैं। इसकी जो स्लीव है वो भी मैंने डिजाइन किया है, तो चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये स्लीव देखिए इस तरह से ये मैंने पूरा ले लिया है। देखिए 2 स्लीव है ये हमारी, वेलवेट मैंने लिया है इसमें, इसमें भी मैंने फ्यूजिंग लगा दिया है लाइक्रा फ्यूजिंग। और ये मैंने फुल स्लीव रखा है जितनी मेरी पूरी लेंथ है स्लीव की। तो 3.5 इंच पे मैं यहाँ से डाउन कर रही हूँ। अपना चेस्ट का 4th पार्ट मैंने इसमें लगाया है 10 इंच पे, कुछ भी माइनस नहीं किया है। और यहाँ से एक तिरछी लाइन लगाकर मैं इसमें स्लीव का शेप दे दूंगी। अब ये जो हमारा स्लीव का जो बॉटम है वो देख लीजिए आप लोग, स्लीव का जो बॉटम है वो बिल्कुल कुछ भी कट नहीं करूंगी, 10 इंच तो 10 इंच ही रखूंगी मैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो नीचे हमारा जो बॉटम है यहाँ से हल्का सा 1 इंच 1.25 इंच के करीब इसको ऊपर की तरफ उठा देते हैं ताकि इसकी नोक ना निकले, बस इसीलिए। ये बेल स्लीव मैंने हल्का सा जो है वो लूज रखा है, ज्यादा ज्यादा नहीं रखा है, कम ही रखा है, बस अच्छा लगे इसीलिए इसका जो पैटर्न है वो इसमें अच्छे से सेट हो जाए इसीलिए रखा है इसको मैंने। और उसके बाद जो है इसको हम स्लीव को कट करके हमारी इसमें सेंटर लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको ऑलरेडी आयरन करके रखा हुआ था, तो मैं सेंटर में इसमें चौक लग का निशान लगाकर दिखाती हूँ आप लोगों को, देख लीजिए आप लोग ये देखिए। और सेंटर से जो है मैं 1 इंच का एक निशान लगा रही हूँ, ये देखिए सेंटर में जो हमारी स्लीव का सेंटर है वही सेंटर से, यानी कि 2 इंच हमारा इसका ये गैप हो जाएगा स्लीव का, ठीक है। इस तरह से हमने चौक से इसको बना लेना है, डोंट वरी चौक के निशान नहीं दिखेंगे। और यहाँ से 2 इंच का निशान लगा रही हूँ, देख लीजिए आप लोग, 2 इंच का नीचे से 2 इंच का बॉटम, जिस तरह से मैंने इसमें निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे हमने अपनी लेस को लगाना है, ठीक है। यहाँ से 1 इंच का एक निशान लगा देते हैं। ये देखिए ये जो लेस मैंने पूरी बंडल जो लेस ली थी ये वाला, इसके ऊपर रखना है यहाँ पर, और उसके बाद जो है हमने इसको सिलाई लगा देना है। जैसे देखिए मैं रख कर बता रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल वैसे ही रखते हुए इसको सिलाई लगाना है। बीच का जो सेंटर, बीच का जो गैप है वो 2 इंच का है इसमें। अब बाकी जो ये हमारा
सिलाई का मार्जिन होता है वहां पर हम इसमें निशान लगा देंगे। बाकी जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसमें गैप गैप और उसके ऊपर ये वाले जो हमने पैचेस कट किए हैं यही पैचेस हम इसके ऊपर फिल कर देंगे। तो बस इतना ही था। तो देखिए इस तरह से मैं पूरी स्लीव में फिल कर दूंगी हमारे जितने भी पैचेस थे इस वाले फेविकोल से, इसको पूरा फिल करके स्लीव को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए स्लीव, दोनों स्लीव हमारी ये तैयार हो चुकी है और ये सूख भी चुका है मेरा, दोनों स्लीव इस तरह से मैंने तैयार कर दिया है। अब हम इसका जो फ्रंट का आर्मोल का शेप होता है वो कट करेंगे इसमें से। देखिए यहाँ से ये आर्मोल का शेप मैंने इसमें कट नहीं किया था क्योंकि मुझे इसमें पहले इसमें सेट करना था लेस को, उसके बाद ही कट करना था। तो ये मैंने अभी कट कर लिया है इसमें और उसके बाद यहाँ पर एक नोच लगा देते हैं। अब ये जो स्लीव है हमारी इसमें देखिए ये जो नीचे का जो बॉटम है ना इसको हमने खुला ही रखना है, कुछ नहीं करना है बॉटम में। अब ये जो हमारा पैंट का पीस है ये सैटन फैब्रिक, इसी को मैं इसके ऊपर रखते हुए इसको फोल्ड कर लूंगी, ठीक है। आगे से जो है ये थोड़ा सा प्लेन ही रहेगा, कुछ नहीं करना है हमने। अगर आप चाहो तो इसमें कोई और लेस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जो लेस हमने, जो स्लीव हमने तैयार की थी ये हमने कुर्ती भी शोल्डर बनाकर अच्छे से रेडी कर लिया। देखिए शोल्डर मैंने बना लिया है। अब जो स्लीव हमने कट किए हैं बना लिए हैं ये स्लीव हम इसमें अटैच कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो बेसिक जो हम अपनी कुर्ती बनाते हैं कुछ नहीं करना है, ये स्लीव अटैच करते हुए हमने इसमें साइड की सिलाई लगाकर जैसे हम बेसिक कुर्ती कंप्लीट करते हैं वैसे ही हमने इसमें कंप्लीट करना है। ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं करूंगी मैं। तो चलिए ये तो सब बेसिक है। अब ये जो दामन है हमारा कुर्ती का इसमें भी मैं अपनी जो पैंट पीस है, पैंट का जो कपड़ा है वही उसी से मैं इसको फोल्ड करते हुए कंप्लीट कर लूंगी दोनों में, ठीक है। तो चलिए ये इतना तो हो गया है हमारा, इसकी जो इसको जो है कंप्लीट करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती बनी थी हमारी। अगर आप लोगों को जानना है ये कितने बजट में बना है तो जरूर मुझसे कमेंट में पूछिए, ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं जरूर इसका बजट जो है वो आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए हमारी ये कुर्ती जो है वो रेडी हो चुकी है, घेरे दामन में हमने कुछ इस तरह से ये बना दिया है। हमारी कुर्ती जो है वो तैयार हो चुकी है। जो स्लीव में देखिए ये हमने इसको तुरपाई कर लेना है ये फोल्ड करके इस तरह से, तो ये हमारा अच्छे से बन जाएगा हमारी स्लीव का पैटर्न। तो अंदर से जो है मैंने इसमें सैटन का जो हमारा पैंट का जो पीस है वो मैंने इसमें लगाया है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये जो स्लीव है ये तो कुछ इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब ये जो दुपट्टा है इसमें मैंने लेस लगा दिया है। पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है दुपट्टे में हम लेस कैसे लगाते हैं। हमारा जो कुर्ती है वो बहुत ही फुल है हमारे पैटर्न से, इसलिए मैंने दुपट्टे को कुछ नहीं किया है, सिर्फ साइड में लेस लगाकर तैयार किया है। अभी इसमें पोटली बैग मैंने इस तरह से ये तैयार किया है, इसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, जरूर शेयर करूंगी मैं। तो चलिए गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। इस पोटली बैग का बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ ये पोटली बैग शेयर की है। बाय, अल्लाह हाफिज।